गुड मॉर्निंग। आज मैंने एथेनिक पहना है क्योंकि आज यहाँ पे एक पूजा है आंटी का। कार्तिकेय जी है ना, जो शिवजी जी के बेटे हैं कार्तिकेय, आज उनका व्रत है जो कि बच्चों के लिए किया जाता है। तो आंटी ने आज वो व्रत किया हुआ है, तो मैंने सोचा इसी बहाने मैं अपना एक लौता सूट जो मैंने ले रखा है उसे पहन लूँ क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना सूट वूट ये सब चीज़ें। मतलब साड़ी तो आई लाइक साड़ी, बट सूट बहुत रेयरली। तो मैंने अभी, मेरे ऑफिस का 4th एनिवर्सरी था तब मैंने ये ख़रीदा था। तो या तो यहाँ पे अंकल ने उपमा बनाया है इन केरला स्टाइल, वेरी टेस्टी। सो यहाँ पर सतीश अंकल जो हैं कटहल लेकर आए हैं और इस कटहल से आंटी जी बनाएंगी चिप्स। कटहल के भी चिप्स बनते हैं, मुझे भी यहाँ आके पता चला था और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं वो। तो इसको इस तरीके से कटिंग कर दी है सो दैट हम इसका हलवा बना सकें। ये खाने में बहुत मीठा है। एंड अनदर कटिंग इज गोइंग ऑन। एंड दिस इज सो स्टिकी। इसकी जो स्मेल है ना, बिल्कुल जैसे मस्क मेलन होता है ना, बिल्कुल वैसी ही है। और ये टेस्ट में मीठा भी है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज मैंने कुछ है ना ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि आज मेरा पूरा दिन चीज़ें सीखने में जा रहा है। आंटी ने मुझे आज एक मसाला बनाना सिखाया है, नॉट मसाला, इट्स काइंड ऑफ चटनी जो सांभर और इडली के साथ खाई जाती है। आपने देखा होगा ना रेस्टोरेंट में एक पाउडर जैसा होता है, फिर उसमें कोकोनट ऑयल डाल के उसको मिक्स करके खाते हैं, वो आंटी ने मुझे आज बनाना सिखाया। सच में वो मुझे इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं ना इतनी सारी चीज़ें सिखा रही हैं मुझे। वो खड़े होने में उनको पेन होता है, फिर भी वो इतने घंटों तक किचन में खड़े होकर मुझे चीज़ें सिखा रही हैं और मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हैं कि मैं खा सकूँ। मतलब हर दिन नई रेसिपी। थैंक यू सो मच आंटी, मतलब इतना प्यार देने के लिए, और अंकल जी आपको भी। सो यहाँ पे आंटी लोग आ गए हैं, हमारे फ्रंट यार्ड जो है ना यहाँ पे आज इलायची है तो उसको तोड़ेंगे। तो दे आर कॉलिंग मी कि आप भी आओ। सो लेट्स सी, ये हमारा जो है ना, ये जस्ट घर के सामने है ये वाला एरिया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डेंस है। मतलब यहाँ पे मुझे झुक झुक के जाना पड़ेगा। ओके फाइन, ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे भी कुछ पेड़ है हमारे इलायची के। आपको पता है अगर है ना नारियल का पेड़ या फिर उसमें से नारियल गिर के अगर एक पेड़ पे गिर जाएगा ना, एक पौधे पे इलायची के, तो पता है इसका कितना नुकसान है? मतलब 4,500 से 5,000 का प्लांट होता है ये एक, तो अगर एक भी ख़राब हुआ तो इतने का नुकसान हो जाता है। ओके, आई थिंक इट इज़ देयर लास्ट डे क्योंकि हमारा बाकी सब जगह का निकल गया है। बैठो बैठो। ओके, आपको पता है कल हम मुन्नार गए हुए थे ना, तो ये जो मैम है ना इनका घर मुन्नार में है। यस, हाय, नमस्कारम, कैसे हो? अच्छा, दीदी पवन माला चोले
फाइव शादी। ओह फाइव चेन्स। ये मुझे बता रहे हैं कि इनकी शादी में ना फाइव चेन्स इनको मिले थे। और वो चेन है ना ऐसी ऐसी भी नहीं होती है, हल्की नहीं, 10-10 तोले की चेन। सो आज लास्ट डे है इनका, क्योंकि हमारी सारी इलायचियाँ टूट चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। और आज चार ही लोग हैं, अदरवाइज़ और दिन 8-9 ऐसे लोग काम करते थे। अभी मैं यहाँ पे एक शॉप पे आई थी एंड आई सॉ कि ड्राई फिश, यहाँ ड्राई फिश भी मिलती है। इसको पूरा नमक में लगा के रखा हुआ है। या नाइस। ओह हाय, हाउ आर यू? मोटी गट्टी बकरा, ये नान दीदी की डॉटर है। हाय आंटी, शी केम टू सी मी। गुट्टू गुट्टू गुट्टू, she is so sweet, you are so beautiful. सुंदरी है ना? सुंदरी है ना बराबर में। Your name? पैर बरा। निवेदिया। निवेदिया, wow, hi, you are also super. निवेदिया बरा। Come here. यादगार बरा, यादगार बरा बरा बरा। और ये कितनी cute है। What's your name? Niranjana. Wow, Niranjana. So beautiful you are. And your eyes. Oh my gosh. So, in ma'am ke bachche jo hai na, wo mujhse milne ke liye aaye hain. She is so beautiful. Aankhein to itni sundar hai inki, badi badi. Wow. Okay, Nivedya. So, in which class you are? Online class. It's me in class first, right? Yeah. Nivedya, will you go to Delhi with me? Yeah. No. Why? मेरी मम्मी जाए बच्चे दिला मम्मी जाए. What she saying? Mother not coming. Oh, okay. She's saying that she love her mother and she can't leave her. It's okay. Ruby? Hi! Oh, so sad! Oh! So, मैं finally इनके घर पर आ गई हूँ। यहाँ पे एक्चुअली कुछ ये दिस इज किनी, ये ना हैंड नहीं होता। ओके, उसका पैर है ना टूट गया है, इस वजह से वो उठ नहीं पा रहा है। ओह सो सैड। ओह इसका नाम है किनी। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ, ये क्या बोलते हैं इसको, बर्ड। अरे ये ना इसको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, पैर पे लगा हुआ है इसलिए। वाओ, अरे 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 अरे, उसके पैर पे लगी हुई है। यू हैव ओनली वन किनी? मैनी? ओह ओके। ओके हाय किरू। वाओ, अरे 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 स्वीट सुंदरी। वाओ, इसका नाम सुंदरी है। हाय सुंदरी। सुंदरू मुठप्पर, दे गिव मिल्क? मिल्क, यस। ओके,
दिस गोट मिल्क ओह गिव मिल्क ओह वाओ स्मॉल गोट्स आर आल्सो हियर सुंदरी एंड हर नेम आल्सो सुंदरी ऑल आर सुंदरी हियर ओके थ्री बेबीज Okay, she's calling me. Wow, so beautiful rabbits. Are My goodness. Five baby rabbits. Three dead. Oh, my God. Wow, this color. Did they bite? Huh? They bite? Yes. Huh? Okay. Oh, this color rabbit I'm seeing first time. Yes. Hi. This is mother. 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 Of these. Yeah. Really? Yes. Are but they are in brown color and she is in white color? The male rabbit was this color. Okay. Nice. Hi. How old they are? 9 months. 9 months. Okay. 9 or 8 months. ये तो काट भी रहे हैं एंड दिस इज द अनदर किनी व्हाट इज द यूज ऑफ किनी आई मीन इट इज फॉर ओनली लाइक पेट फॉरेस्ट ओके दिस इज फॉरेस्ट किनी हाँ जंगली किनी ओके ओके चक्रा हिज नेम इज चक्रा एंड ही इज वेरी फ्रेंडली नाइस या बेबी लाइक दिस सो दीज आर द लव बर्ड्स हमने अक्सर सुना है ना कि हम किसी को भी बोलते हैं या किसी कपल को बोलते हैं कि देखो क्या लव बर्ड है अरे उसके अंदर चला गया सो ये लव बर्ड्स हैं ये ये जो फ्लावर है ना ये जो फ्लावर है इसका नाम है वन्ना रानी इसका नाम है इट्स मीन दैट जंगल्स क्वीन अभी थोड़ा सा मुरझा रखा है लेकिन वहाँ पे वो पूरे खिले हुए हैं आओ यार सो मैं यहाँ पे घर पे आ गई हूँ और मैं भी वो बच्चे हैं ना जो उनके घर पे गई थी और वो इतने प्यारे बच्चे हैं और उन्होंने इतने सारे पेट्स पाल रखे थे गोट हेन रैबिट फिश
और वो किनी किनी तो मैंने पहली बार देखा है, वो जंगली मुर्गी होती है एक्चुअली। चलो देखते हैं कि ये मेरे से खाना खाने आती है या नहीं आती। किट्टू किट्टू कम, खाना खाना कम 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 यार, जल्दी फूड 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 कम कम यार। फूड, तो ये फाइनली आ तो गई है। हाँ मैंने सोचा कि मैं इसको खाना देके देखती हूँ आती है या नहीं आती है। ओके हाउ टू ओपन दिस, ओ यहाँ से चुपके चुपके मुझे देख रहे हो। किट्टू कम, क्या हुआ, खा लो। यस मिल्क चाहिए, मिल्क मिल्क, हाँ यू नीड मिल्क, व्हाट कम। तो किट्टू तो यहाँ पे नहीं आई, वो मुझे देख के भाग गई, पता नहीं क्यों मुझसे इतना डरती है, बल्कि मैं तो पेट्स से इतना प्यार करती हूँ फिर भी मेरे पास नहीं आती। सो फाइनली मैं रूम में आ चुकी हूँ और आज मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा होगा, मैं एक आंटी हैं उनके घर पे गई थी और वहाँ पे मुझे बहुत सारे पेट्स देखने को मिले। और वो ब्राउन कलर का रैबिट, मैंने तो वैसा रैबिट का कलर देखा ही नहीं, मैंने हमेशा वाइट कलर के रैबिट्स देखे हैं। और क्या नाम था उसका, किनी किनी हन भी कितना प्यारा था ना, वाओ। अभी बहुत बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच आंटी एंड अंकल, जो आप लोग मुझे इतना यहाँ पे यू नो घुमा फिरा रहे हो और मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हो। आपको पता है मुझे ना रोज़ एक नई डिश खाने को मिलती है, मतलब एक नहीं, मतलब एवरी टाइम, ब्रेकफास्ट में अलग, तब भी कुछ ना कुछ यू नो समथिंग टू टाइप्स के डिशेस होते हैं, फिर लंच में अलग, डिनर में अलग, मतलब इतना खा खा के मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। पहले इतनी मोटी थी और अब और मोटी हो गई हूँ, बाप रे भगवान पतली कैसे होंगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को पता है कि पतले कैसे होते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, कुछ रेसिपी बता दो मुझे। आई रियली नीड टू लूज़ माई वेट, आई एम 63 यू नो, बाप रे आई वॉन्ट टू बिकम 50 kg। बट मेरा आइडियल वेट 55 kg होना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा और लूज़ करना है। और घर वालों से बात हुई थी, दे ऑल आर मिसिंग मी, और मेरे फ्रेंड्स सब लोग दे आर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड सब लोग मुझे मिस कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं डेली वापस कब आओगे, पर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। सो आई हैड माई डिनर जस्ट नाउ एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। गुड नाइट।